आप सामने देख रहे हो जो ढका हुआ है वो 12 से 15 वाले वाली जो बना रहे होगी आप, ये तो एक घंटे में रेडी होगा, एक घंटे में रेडी हो जाएगा ना ये वाला। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग सिसान चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस नए व्लॉग में हम लोग आ गए हैं थानोद में और चलिए देखते हैं यहाँ पे अभी जो है गणेश जी की जो प्रतिमा है वो पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है और किस टाइप में यहाँ पे गणेश मूर्ति हम लोग को देखने मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो में बताना है। मूर्ति नारायण मोरध्वज के पास और चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं किस प्रकार की मूर्ति बनती है यहाँ पे। खुला दूँ जैसा तो वीडियो बनाना तो यहाँ की जो मूर्ति है देख सकते हो कुछ इस प्रकार की मूर्ति है। अभी भैया जो है फाइनल फिनिशिंग के लिए अभी और काम कर रहे हैं। भैया कहाँ तो ये जो सारे गणेश है वो अभी बनना बचा हुआ है, अभी एक से दो दिन के बाद बन जाएगा। भैया कितने दिन में बन जाएगा ये वाले वाले जो बना रहे हो भी आप? ये तो एक घंटे में रेडी हो जाएगा, एक घंटे में रेडी हो जाएगा ना ये वाला। तो ये जो गणेश है वो एक घंटे में रेडी हो जाएगा और आगे चलते हैं। और भी यहाँ पे गणेश जी की बहुत सारी तरह की प्रतिमा है इस साइड जो आप देख सकते हो। भैया इधर गणेश कहाँ कहाँ जा रहा है आपके यहाँ पे? यहाँ डाउंडी का है, डाउंडी लगा रहा था। अच्छा। एक अपना घर रखा है, एक भिलाई का है, सेक्टर 7 का है। अच्छा ये वाला सेक्टर 7 है, कितने फीट का होगा भैया ये? ये है 11.5 फीट, 11.5 फीट का ना। तो ठीक है भैया ना, तो ये सब चीज़ गणेश है आप लोगों को भैया बता दें कि यहाँ बैठने वाला है। और ये भिलाई का गणेश है जो काफ़ी बहुत प्यारा बना है, यही आप देख सकते हो। और ये सब चीज़ गणेश बन चुका है आप लोगों को बार खोल के दिखा देता हूँ मैं। ये सब ऑर्डर के हैं इसलिए इसको ढक के रख दें। और इस साइड भी और गणेश है, ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं एक करके। अभी हम लोग जा रहे हैं राधे मूर्तिकार के यहाँ, जो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट और वहाँ से आप लोगों को मैं वहाँ की गणेश मूर्ति दिखाऊंगा। हम पहुँच चुके हैं राधे मूर्तिकार के यहाँ और चले यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार की गणेश मूर्तियाँ, कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। 20-25 तो ये वाली जो प्रतिमा है वो 3 से 4 फीट के आसपास की होगी। अभी इसका फाइनल टचिंग के लिए भी बाकी है, कलर वगैरह अभी हुआ नहीं है। और ये जो प्रतिमा है आप सामने देख रहे हो जो ढका हुआ है वो 12 से 15 फीट के आसपास की गणेश जी की मूर्ति है और आगे भी उतनी बड़ी 12 से 15 फीट के आसपास की ही मूर्ति होगी। वो सबसे पहले आप लोग ये देख लो, तो अभी इसको ढके हैं और इस साइड भी बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई गई है, ये भी आप लोगों को देख लो। चलते हैं इस साइड में, और भी यहाँ पे प्रतिमा गणेश जी की बनी हुई है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये वाली जो प्रतिमा है और यहाँ पे विष्णु भगवान की प्रतिमा है और उस साइड में गणेश जी की एक और प्रतिमा है, वो भी आप लोगों को जाके दिखाऊंगा। तो ये वाली जो गणेश की प्रतिमा है वो आप लोग देखो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो जो इसका पेंट हुआ है काफ़ी यूनिक तरीके से किया गया इसका जो पेंट है। तो अभी हम लोग आ गए हैं केशव मूर्तिकार में, तो वो यहाँ पे भी बनने का जो प्रोसेस था जो बनना चालू है बन रहा है और अंदर की तरफ में भी बहुत सारे गणेश हैं, एक एक करके आपको मूर्ति दिखा देते हैं। तो ये वाली जो मूर्ति है बहुत खूबसूरत तरीके से और काफ़ी बड़ी बना गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान का रखा गया है और इस साइड में गणेश जी की बहुत ही प्यारी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। और इस साइड में भी जो गणेश की प्रतिमा है कई तो बन रही है और
चूल्हे में इसको पैक करके रख दिया गया है। शंकर भी कर ले लीजिए वीडियो, शंकर भी कर ले लीजिए वो बना वो सजाया है अभी। तो अभी जो आधे ज़्यादा गणेश है वो कवर करके ढक के रख दिया गया है कि जो ऑर्डर के तो पूरा तरीके से बन गए हैं वो सबको कवर कर दिया है। उस साइड में अच्छी प्रतिमाएँ बनाई जा रही है और ये वाली जो प्रतिमा है वो पीछे शिवलिंग जैसा बना हुआ है, इसलिए आप देख सकते हो जो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है यहाँ पर। और ये वाली जो गणेश है यहाँ पर छोटी छोटी ये कलर नहीं हुआ है अब तक। और इस साइड भी गणेश है, जितने भी जो गणेश है वो आप लोगों को एडिट करके दिखाने वाला हूँ। और जो कवर में उसको तो अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि अभी कवर करके रखे हैं। और ये वाली जो प्रतिमा आप देख सकते हो वो भी बहुत खूबसूरत है। तो इस साइड में बहुत ही अच्छी यहाँ भी प्रतिमा बनाई गई है। और यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इस बार भीड़ है और कोरोना की वजह से अभी तो इंटरेक्शन नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार अच्छी खासी भीड़ है। तो ये आप भीड़ देख सकते हो, देखने वाले और लेने वाले लोगों की बहुत ही अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर कन्हैया ट्रेड है, हैंडीक्राफ्ट लिखा हुआ है। तो अंदर की तरफ चलते हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है तो उतने अच्छे से आपकी आवाज़ आप लोगों को नहीं आ पाएगी, लेकिन फिर भी जितनी मूर्ति है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ये जो मूर्ति है वो आप लोग देखिए और इस साइड पूरा कवर करके रख दिया गया है। ये मूर्ति बहुत अच्छी है और इस मूर्ति को साथ ले जाएगा। तो अभी ये वाले गले में चलते हैं और यहाँ पे भी गणेश जी की जो है बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई जा रही है। अभी भी बन रहे हैं यहाँ पे, फाइनल प्रोसेस अभी चालू हो गया है। और इस टाइप की आप लोगों को गणेश की मूर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये वाली जो गणेश है वो कम से कम 7-8 फीट से ऊपर की होगी गणेश की मूर्ति। और कुछ कुछ मूर्तियाँ जो हैं यहाँ पे अभी ढक के रख दिया गया है क्योंकि जो ऑर्डर के हैं ले जाने वाले उसके बाद ही खोल के दिखाते। तो ये सब करीब देखो ये 3-4 फीट की गणेश है। तो यहाँ की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है ये सामने वाले की जो 8-9 फीट के आसपास की होगी, आप लोगों को मैं करीब से दिखा देता हूँ। ये भी ढका हुआ है। और यहाँ पे भैया जो है 2-3 फीट की मूर्ति है ये, इसको फाइनल प्रोसेस अभी कर रहे। कितने घंटे में बन जाएगा भैया ये? आज कंप्लीट हो जाएगा? तो ये जो मूर्ति है वो 9-10 फीट के आसपास की होगी। ये मूर्ति जो कि आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको भी बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गणेश जी के यहाँ पे 5 सर रखा गया है और साइड में ही एक सांप रखा गया है, ये भी आप देख सकते हो। और पीछे का जो फ्रेम लगा हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है यहाँ पर। और ये वाली जो मूर्ति है वो शंकर भगवान के ऊपर कुछ उस प्रकार से बनाया गया है, आप देख सकते हो। और ये वाली जो गणेश है वो मतलब पूरी यहाँ की गणेश जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ आप लोगों को थानोद की जितनी हो सके मैं यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को मूर्ति दिखाऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है आप मेरे को कमेंट करके बता सकती हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी थानोद में 2-3 पार्ट में डालूँगा वीडियो और काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से 2-3 पार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ की गणेश की जो प्रतिमाएं हैं बहुत ही खूबसूरत। तो ये जो मूर्ति कला है वो राधे वाले के जस्ट बाजू में वाली मूर्ति कला है। तो यहाँ की भी गणेश की मूर्ति आप लोगों को एक बार मैं अंदर जाकर दिखा देता हूँ। तो अभी शायद पूरी प्रोसेस तो नहीं हुई है, देखने से ऐसा लग रहा है। और कुछ इस प्रकार से अभी गणेश जी की प्रतिमा को बनाया जा रहा है, अभी फाइनल काम अभी हुआ नहीं है सर इन सबका। तो गणेश की जो मूर्तियाँ काफ़ी खूबसूरत यहाँ भी मूर्तियाँ हैं, मतलब थानोद में एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे अच्छी अच्छी मूर्तियाँ और बाहर से रायपुर से भिलाई से बहुत जगह से यहाँ पे आते हैं लोग बनवाने के लिए। तो आप लोग एक एक करके गणेश जी की प्रतिमा को देखिए।
और ये वाली जो प्रतिमा है कृष्णा की उसमें है, तो ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी अभी प्रोसेस चालू नहीं हुई है। और ये वाली जो गणेश की प्रतिमा है काफ़ी खूबसूरत बनी है। तो राधे वाली लाइन में भी यहाँ पे भी प्रतिमा बहुत सारी बन रही है, तो यहाँ का भी हम लोग प्रतिमा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और छोटे से जगह में बनाया जा रहा है पकड़ कहाँ है।